वो आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो इसके पहले मैंने सरफेस प्लेट का और वी ब्लॉक का वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में क्या कवर करना है आपको, स्लिप गेजेस। आप देख सकते हो यहाँ पर स्लिप गेज का बॉक्स है। बेसिकली स्लिप गेज क्या है कि एक एंड स्टैंडर्ड का एग्जांपल है आपका, कि जैसे आप देख सकते हो इसका ये सरफेस और ये सरफेस, आप क्या कर सकते हो, दो सरफेस के बीच में आप डिस्टेंस मेजर करते हो। इसलिए क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड स्टैंडर्ड है। इसका बेसिकली एक स्वीडिश इंजीनियर है जॉनसन, इसने उसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके लिए इसको कभी कभी जॉनसन गेजेस भी कहा जा सकता है। फिर इसके बाद इसके यूज़ क्या है, इसका केयर क्या करना पड़ता है, इसके ग्रेड्स कौन थे, ये सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसका जो स्टील है वो हाई ग्रेड स्टील है और इसका हार्डनिंग के वाला प्रोसेस रहता है। क्यों हार्डनिंग करना पड़ता है, क्योंकि आप क्या करते हो, स्लिप गेज यूज़ करने के लिए एक दूसरे के इसको क्या करते हो, उसको रिंगिंग कहते हैं। वो रिंगिंग करते हो तो इसका वियर आउट न हो, इसलिए इसको क्या किया जाता है, सूटेबली हार्डन किया जाता है। और उसके बाद उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, मतलब हीटिंग कूलिंग होता है, कि इसके वजह से उसके इंटरनल जो स्ट्रेसेस है हार्डनिंग की वजह से वो रिलीव हो, इसलिए इसको क्या किया जाता है, उसका बाद में हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। आफ्टर बींग हार्डन दे आर केयरफुली फिनिश्ड बाय हाई ग्रेड लैपिंग टू हाई डिग्री ऑफ फिनिश। अभी ये हीट ट्रीटमेंट हो गया है, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, लैपिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे मैंने इस आपके सरफेस प्लेट को भी कहा था कि एक लैपिंग प्रोसेस होता है। आप देख सकते हो इसका ये जो सरफेस है एकदम हाईली फिनिश्ड है। तो इसको क्या, और ये जो सरफेस है ये सरफेस स्मूथ नहीं है, मतलब फिनिश नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सरफेस आपका काम का नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिखा है, 20 लिखा है, मतलब इसका जो साइज़ है ये क्या है, 20 है। और ये दोनों सरफेस आपको क्या दिखेंगे, एक्स्ट्रा स्मूथ दिखेंगे इसके। क्यों, क्योंकि यही वर्किंग फेसेस है। तो यही वर्किंग फेसेस के क्या किया जाता है, लैपिंग प्रोसेस किया जाता है। लैपिंग मतलब क्या, क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस के साथ आपका फिनिश भी क्या होता है, मेंटेन होता है। तो ये लैपिंग प्रोसेस क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को रिंगिंग करके आपको क्या करना पड़ता है, लीनियर डायमेंशन बिल्ड करना पड़ता है। तो अभी इसके साइजेस क्या होते हैं, जैसे अगर आपको साइजेस बताना है इसके, तो जैसे 10 mm, अभी इसका थिकनेस के ऊपर डिपेंड होता है। जो मैंने पहले दिखाई वो 20 mm की थी। अभी यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका डायमेंशन 1.01 लिखा है, मतलब ये 1.01 की ये जो स्लिप है, इसका ये जो लेंथ रहेगा, मतलब यहाँ से लेके ये जो लेंथ रहेगा, तो ये कितना है, 9 mm है। ये जो लेंथ है वो 9 mm है और इसका ये जो है हाइट कितना है, 30 mm है। मतलब 10 mm तक जो स्लिप रहेंगे उसका क्या होता है, ये 9 mm रहेगा और लेंथ 30 mm रहेगा। फिर 10 mm के बाद आप देख सकते हो कि ये जो स्लिप है इसकी ये लेंथ क्या रहेगी, 35 रहेगी और इसका ये लेंथ 9 mm ही रहेगा। सॉरी, ये तो उसका ये होगा, ये जो है इसका ये सरफेस ये 9 mm ही रहेगा। इसके साइज़ के बारे में हो गया। स्लिप गेज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम टंगस्टन कार्बाइड विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड एंड वियर रेजिस्टेंस। मैंने स्लिप गेजेस के टाइम पे बताया था कि जब आपको एक्स्ट्रा क्लोज डायमेंशन टॉलरेंस चाहिए तो आप कार्बाइड के स्लिप गेज यूज़ करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन हो गया। तो उसके बाद एक प्रोसेस है रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस। रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस मतलब क्या, कि आपको एक डायमेंशन बिल्ड करना है। कंसिडर करो मुझे एक, मैं अभी रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस क्या है वो देखते हैं। पहले मैंने क्या किया, ये दोनों फेसेस, ये 10 mm का स्लिप लिया मैंने और ये 20 mm का स्लिप लिया है। अभी ये एक दूसरे को क्या करना है, मुझको रिंगिंग करना है। तो रिंगिंग करने के लिए मैंने क्या किया, पहले ये एक दूसरे को 90 डिग्री में ऐसे मैंने इसको रब किया और फिर इसको ऐसे रोटेट किया। तो क्या नहीं हो रहे, ये देखो एक दूसरे को क्या हो गए, आधे हो गए। तो ये डायमेंशन कितना हो गया, ये 20 mm और ये 10 mm, टोटल कितना डायमेंशन होगा, 30 mm डायमेंशन होता है। इसको क्या कहते हैं, रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस कहते हैं। अभी ये दोनों के बीच में आप कहोगे कि इसके दोनों के बीच में गैप रहेगा, तो ये गैप कितना होता है, 0.006 माइक्रॉन का गैप होता है, वो निग्लिजिबल गैप है। ऐसे करके आप क्या करते हो, डायमेंशन बिल्ड करते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस। एक 4 mark के लिए आपको क्या होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस।
इन दिस वे एयर इज, अभी वो जो डायरेक्शन था मेरा 90 डिग्री बाद में फिर पैरेलल रोटेट करके, इसके वजह से क्या होता है कि एक दूसरे के वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, अधेर हो जाते हैं, और फिर रोटेट करता हूँ तो ये एयर दोनों में का एयर क्या होता है, रिलीज हो जाता है और एक दूसरे को अधेर हो जाते हैं। एक्चुअली अभी ये जो ग्रेड्स है कि कौन कौन से टाइप्स के ग्रेड के स्लिप गेजेस अवेलेबल है, तो ग्रेड है उसमें ग्रेड टू, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड ओ, ग्रेड डबल ओ और कैलिब्रेशन ग्रेड। तो अभी ये ग्रेड के बारे में क्या कह सकते हो कि ग्रेड जो सेकंड है, तो ग्रेड सेकंड बेसिकली आपके वर्कशॉप में वगैरह जहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रिसीजन का काम नहीं है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। फिर ग्रेड फर्स्ट जो है वो मोर प्रिसाइज वर्क सच एज सेटिंग अप साइन बार, चेकिंग गैप गेजेस, चेकिंग डायल टेस्ट इंडिकेटर, इसके लिए इसका यूज़ होता है कि ग्रेड फर्स्ट थोड़ा प्रिसाइज वर्क के लिए होता है। फिर ग्रेड ज़ीरो, देज आर इंस्पेक्शन ग्रेड्स ब्लॉक्स यूज्ड इन टूल रूम इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, ये थोड़े से उससे और ज़्यादा प्रिसाइज है। ग्रेड ज़ीरो ज़ीरो, देज आर प्लेस्ड इन स्टैंडर्ड रूम यूज्ड फॉर हाइएस्ट प्रिसीजन वर्क। अभी ये ग्रेड ज़ीरो ज़ीरो से क्या हो गया, आपके ग्रेड सेकेंड और ग्रेड फर्स्ट के जो स्लिप गेज है वो क्या होते हैं, वहाँ से कैलिब्रेट होते हैं। फिर कैलिब्रेशन ग्रेड स्लिप गेजेस, जैसे मैंने बोला आपका टंगस्टन कार्बाइड है, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हैं, वो कैलिब्रेशन ग्रेड के स्लिप गेजेस है। फिर उसके बाद ये जो गेज ब्लॉक्स है इसके यूज़ क्या क्या है, एक एक बोल देता हूँ मैं आपको। डायरेक्ट प्रिसाइज मेजरमेंट विच आर एक्यूरेसी ऑफ द प्रिसीजन, डायरेक्टली प्रिसाइज मेजरमेंट वेयर द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क पीस डिमांड्स इट। उसके बाद फॉर चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर सच एज अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अभी इसका मैं प्रैक्टिकल आप एग्जाम्पल लास्ट में दिखाता हूँ मैं आपको। फिर सेटिंग अप ए कंपैरेटर टू ए स्पेसिफिक डायमेंशन, इसका भी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ वर्क पीस एंड ऑल्सो एंगुलर सेटिंग इन कंजक्शन विद द साइन बार, ये सारे मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देते थे। द डिस्टेंस ऑफ प्लग्स पिकॉट फिक्सर ओपन, अगर किसी दो चीज़ के बीच में का आपको गैप मेजर करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो स्लिप है उसके अंदर ऐसे इंसर्ट करके आप देख सकते हो कि उसका अंदर का गैप कितना है। कभी कभी टूल जब जिग्स फिक्सर होता है उसका भी आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। टू चेक गैप बिटवीन लोकेशन सच एज इन गैप गेजेस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, ऐसे ही इसके यूज़ है बेसिकली। फिर इसका केयर क्या करना पड़ता है कि अगर आप समझो आपका ये काम इसका हो गया है तो आपने इसको एक स्लिप निकाली, जैसे मैंने ये दो स्लिप निकाले तो क्या करना चाहिए था, मैंने इसको ऐसे क्लोज करके रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अपने एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा और इसको ये रस्ट कर देगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर काम हुआ आपको इसको क्लोज करके रखना है। सेम अगर आप इसको टच कर रहे हो जो लैपिंग सरफेस, अभी मैंने इसको रिंगिंग किया है तो रिंगिंग करने के बाद मैं इसको इसे खींच नहीं सकता हूँ, इसको क्या करना पड़ता है, धीरे ऐसे स्लाइटली इसको स्लाइड करके निकालना है मुझको ना, ऐसे इसको ऐसे ऐसे करना है। फिर इसके बाद आपका जो ये लैप सरफेस है इसको आपको क्या करना है, ऐसे बेयर हैंड से टच नहीं करना है, तो क्या होता है आपके हाथ पे जो मॉइस्चर रहेगा वो क्या होगा, इसको टच करेगा, फिर वहाँ से वो करोजन फिर रख दोगे आप, फिर उसका क्या हो जाएगा, करोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कभी कभी आपका जो टेम्परेचर रहता है वो क्या हो जाता है, इसको ट्रांसफ़र होता है, तो आपको मैक्सिमम टाइम क्या करना है, अगर आप इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हो तो आपको एक कुछ तो ये रहेगा, उससे क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो हीट है इसको नहीं जाए। अगर कंसिडर करो आपका इसका आपका टच हुआ है हैंड का, तो क्या करो कुछ टाइम के लिए आप उसने उसको इन्वायरमेंट में रखो 20 डिग्री सेल्सियस में, फिर वो स्टेबिलाइज होने के बाद उसको अंदर रख दो। यूज़ करने के बाद उसको साफ़ करो, और पेट्रोलियम जेली रहती है वो पेट्रोलियम जेली का लेप लगा के उसको मतलब लेयर लगा के क्या कर दो, उसको वापस उसके बॉक्स में रख दो, उसको गिरने मत दो, ठीक है, ऐसे कुछ उसके इम्पोर्टेंट केयर है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने कहा था कि मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाऊँ, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक माइक्रोमीटर है, इसका रेंज कितना है, 0 से लेके 25 mm है, और इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 इसका लिस्ट काउंट है। तो स्लिप गेज का यूज़ मैंने बताया था कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। कैसे होता है देखो, अगर मुझे अभी ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट करना है, मतलब देखना है इसका एक्यूरेसी बराबर है कि नहीं, तो मैंने इसके लिए क्या किया, यहाँ पर मैंने एक 10 mm का क्या किया, मैंने यहाँ पर एक स्लिप लिया है, ठीक। अभी वो 10 mm का स्लिप मैं क्या करूँगा, इसके अंदर यहाँ पर रखूँगा, और मेरा रीडिंग कितना आना चाहिए, अगर मैं 10 mm का स्लिप रख रहा हूँ तो मेरा रीडिंग भी कितना आना चाहिए, 10 mm आ रहा है। अगर 10 mm आ रहा है एग्जैक्ट तो मेरा इंस्ट्रूमेंट बराबर है, लेकिन रीडिंग कम आ रहा है 10 mm से,
कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट बराबर नहीं है। मैंने यहाँ पे रखा, फिर मैंने धीरे धीरे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रैचेट से मूव कर रहा हूँ मैं। रैचेट से मूव करने के बाद यहाँ पे एक आवाज़ आएगा, देखो ठीक, ये जो आवाज़ है, यह आवाज़ आने के बाद आपको क्या करना है, रुकना है और फिर आपको रीडिंग देखना है कि रीडिंग कितना आया है आपका। आप देख सकते हो, मैं आपको रीडिंग दिखाता हूँ यहाँ पे कितना है एग्जैक्ट। आप देख सकते हो ये ज़ीरो जो है, ये जो ज़ीरो है ये क्या हो रहा है, एग्जैक्ट वो लाइन्स के साथ मैच है। ज़ीरो एग्जैक्ट लाइन के साथ मैच है, मतलब ये माइक्रोमीटर ओके है। इसे क्या, ऐसे इसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कैलिब्रेट कर सकते हो। ये तो एक यूज़ हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, गैप चेक करना है। कंसिडर करो मेरा एक स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग पे इसके अंदर कुछ तो गैप रहता है, तो वो गैप चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक स्लिप लूँगा ऐसे। एक स्लिप लेने के बाद इसके अंदर ऐसे इसको अंदर इसको ऐसे इंसर्ट करूँगा। फिर इंसर्ट करने के बाद मुझे पता चलेगा इसके अंदर कितना गैप है। ये एक इसका यूज़ होता है। ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन से जहाँ पे क्या होगा, कुछ स्लॉट रहेगा या कुछ रहेगा, आपको देखना है वो स्लॉट कितना है क्या है, इसके लिए आप स्लिप गेज का यूज़ कर सकते हो। ये दो यूज़ हो गए। फिर आप, ये आपको पता है गेज है, ये कौन सा गेज है, एडजस्टेबल स्नैप गेज है। एडजस्टेबल स्नैप गेज को क्या होता है कि ये जो एंड है आपका, ये गो एंड है, ये नो गो एंड है, ये क्या करने पड़ते हैं आपको, सेट करने पड़ते हैं। तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अलग अलग डायमेंशन बिल्ड करने हैं। तो डायमेंशन कैसे बिल्ड करते हैं आप, उसको स्लिप गेज का एडिशन करके डायमेंशन बिल्ड करते हो। तो कंसिडर करो मुझे यहाँ पे ये सेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ये स्लिप गेज लूँगा, फिर इसके अंदर रेस्ट करके, इसके अंदर ऐसे रेस्ट करके क्या करूँगा, इसको सेट करूँगा। मतलब सेट फॉर सेटिंग ऑफ गेजेस आप क्या करते हो, स्लिप गेज का यूज़ कर सकते हो। फिर और एक है फॉर सेटिंग अप कंपैरेटर। कंपैरेटर मतलब क्या, कंसिडर करो ये मेरा एक कंपैरेटर, डायल स्टैंड एज ए कंपैरेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हाइट सेट किया, मैं क्या करता हूँ इसको एज ए एक कंपैरेटर बोल के यूज़ करता हूँ। मैंने क्या किया, इसको ऐसे यहाँ पे सेट किया है। अभी ये मेरा कितना हाइट है, ये मेरा इसका हाइट है 100 mm है। तो अभी ये 100 mm पे सेट होगा, तो मैं क्या करूँगा, इस स्लिप गेज यहाँ से निकाल दूँगा और मेरे जो 100 mm का जॉब था, मतलब 100 mm जॉब के लिए मैंने क्या किया, प्लस माइनस 5 mm का मेरा टॉलरेंस है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 mm को इसको सेट किया है। तो अभी ये मैं स्लिप निकाल दूँगा यहाँ से और डायरेक्टली मेरा जो जॉब है, मैं जॉब क्या करूँगा, मेरा जॉब का हाइट क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे इसको रखूँगा। फिर इसके, इसका जो मूवमेंट है उससे मैं ये करूँगा कि मेरा जॉब ओके या नॉट ओके। मतलब फॉर सेटिंग अप कंपैरेटर मैं क्या करता हूँ, स्लिप गेज का यूज़ करता हूँ। इतने ये यूज़ थे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लिप गेज का यूज़ बताना भूल गया था कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे साइन बार है, अगर आपको साइन बार एक्चुअली एंगल मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, तो अगर साइन बार का आपको एंगल मेजरमेंट के लिए यूज़ करना है, तो आप इसका सिंगल, मतलब ये इसका यूज़ करके आप एंगल नहीं मेजर कर सकते। उसके साथ आपको क्या करना पड़ता है, डायल इंडिकेटर भी लेना पड़ता है और स्लिप गेज भी लेना पड़ता है। अगर इसको पर्टिकुलर किसी एंगल में यूज़ करना है, तो आपको साइन थीटा इज़ इक्वल टू एच बाय एल का यूज़ करके वो एंगल सेट करना पड़ता है वगैरह, वो सब ठीक है, चीज़ें ठीक है, वो हो जाएगा एंगुलर मेजरमेंट में। लेकिन अपनी स्लिप गेज का यूज़ क्या है कि स्लिप गेज को क्या करो, आप इसके रोलर के नीचे रख दो और फिर ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ था स्लिप गेज का, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।